नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी में एक टॉपिक है, पेपर में पेपर वन में हमको पढ़ना है सेट। सेट थ्योरी में हमें सेट फंक्शन, पहला टॉपिक है फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन ये क्या होता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, तो ये सब देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अगर एक फंक्शन है और उसका इन्वर्स लेते हैं और दोनों को कंपोजिशन मारते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम आपको बताते हैं कि एक फंक्शन है और उस फंक्शन का कंपोजिशन मारते हैं इन्वर्स, एक फंक्शन और उसी फंक्शन का इन्वर्स मार्क ले करके और कंपोजिशन मारते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। वीडियो को पूरा देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम आपको लॉलीपॉप नियर एकदम स्वाद आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, देखते रहिए। तो f जो है x से y में डिफाइन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन सो दैट f इनवर्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f इनवर्स f इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ आई एक्स एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f f इनवर्स दिस इज द आई वाई, वेयर आई एक्स एंड आई वाई आर द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ x एंड y। इस सेट जो है x और y के मैपिंग है, हमें प्रूफ करना है इस बात को। आइए हम शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं कि x जो है x का एलिमेंट है और ये बात डिफाइन है कि f जो है x से y में डिफाइन है, तो एफ एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं वाई एक्स, वाई लिख सकते हैं क्योंकि हमको ये बात पता है कि वाई एक्स बराबर एफ एक्स होता है, वेयर वाई इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी कि ये छोटा वाई है ये बड़े वाई है ये बिलोंग्स कर रहा है। आइए अब शुरुआत करते हैं, ये वाला टॉपिक जो मैंने राउंड किया ये ज़बरदस्त है, इसीलिए इस सारा इसी टॉपिक पर ये सारा जो है क्वेश्चन मतलब घूमा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखिए एफ जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, अब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होगा, एंड एफ वाई, एफ वाई बराबर अगर एक्स हो तो एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं, ये बात मैंने ध्यान से देख लीजिए। तो ये इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, मैं एक छोटा सा क्लिप दे रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर समझाऊँगा, तब ये समझाऊँगा तो मज़ा आएगा। ये कहना क्या चाहता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब हम आपको बता देते हैं, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और वन टू भी हो, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो वन टू हो तो उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वन वन हो वन टू हो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब ये देखिए, फिर वन वन इसलिए है क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट जो है बी से कनेक्ट है, एक्स वाई से कनेक्ट है, और वाई का टोटल एलिमेंट ए से कनेक्ट है, एक्स से कनेक्ट है, इसलिए बाइजेक्टिव है। जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें है, थोड़ा भी कम बेस नहीं है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है। अगर बाई दुबे मानकर चलिए इसमें एक भी एलिमेंट बढ़ गया तो भाई इसमें का एक एलिमेंट छूट जाएगा, इसलिए ये इसके साथ तो इन्वर्स निकल जाएगा बट इसका इन्वर्स इसके साथ नहीं निकल पाएगा, इसलिए ऑन टू फंक्शन होने के सेंस में, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होने के सेंस में इसका हम दोनों जो है एक बार डोमेन के साथ इन्वर्स निकालेंगे, मतलब ये डोमेन होता है और सॉरी ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, एक बार डोमेन से निकालेंगे इन्वर्स और एक बार कोडोमेन से। डोमेन कोडोमेन रेंज ये सब क्या होता है, इसका वीडियो जो है वही पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश किया है, जरूर उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सेट थ्योरी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाइजेक्टिव का मतलब ऑन ऑन और ऑन टू हो, तो इस केस में हम लोग एक बार एक्स के साथ इन्वर्स मार देंगे, एक बार वाई के, ताकि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, ठीक है, बात पकड़ में आता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे तो एफ इन्वर्स एफ ये हो जाएगा, ये देखिए ये एफ इन्वर्स रहेगा और ये जैसे जब इसके साथ एफ एक्स होगा तो यहाँ से ऑफ हट जाएगा, ठीक है ना, तो ये एफ एक्स हो जाएगा और एफ इन्वर्स, और एफ एक्स का मान यहाँ से देखिए आपको देख लीजिए वाई है तो वाई लिख देंगे, अच्छा वाई इन्वर्स बराबर क्या लिखें, एफ वाई इन्वर्स क्या लिखें, एक्स, तो एक्स हो गया, दिस इज द आई, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। हैंस एफ इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ इन्वर्स एफ बराबर क्या हो जाएगा आई, ये आइडेंटिटी, ये फर्स्ट पार्ट था, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं,
अब इसको उल्टा करके इन्होंने एक बार पहले इन्वर्स मारा है और एक बार बाद में इन्वर्स मार दिया। चलिए बाद में इन्वर्स मार करके आपको दिखाते हैं। एफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ इन्वर्स वाई। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो ये यहाँ से वो उड़ जाएगा, माने हट जाएगा। तो यहाँ से एफ एफ इन्वर्स वाई ये ब्रैकेट लगा देंगे और ये एफ तो रहेगा, एफ इन्वर्स वाई का वैल्यू यहाँ से देखिए एक्स होगा एक्स, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मान आपके बुक में देखिए दिया है, एफ एक्स बराबर इधर कहीं दिया होगा एफ एक्स, और किधर गया भाई, एफ एक्स, एफ एक्स बराबर वाई। अभी आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ देख लीजिए, देख रहे हैं ना, एफ एक्स बराबर वाई है। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स बराबर वाई भर सकते हैं, और एफ एक्स बराबर वाई यानी कि वाई मतलब आई वाई भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आई होगा, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ और ओ ऑफ एफ इनवर्स वाई बराबर आई होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा था, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पर बहुत छोटा दिखता होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बातें इन्वॉल्व की गई है, मिलाई गई है। तो क्वेश्चन देखने में छोटा कोई हो तो आप उसको छोटे में ना लें, उसको शालीनता से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, थोड़ा सा डीप उसके नॉलेज लें, जिससे काफ़ी मैथ इंप्रूव होगा। मैथ इंप्रूव करने का एक ही जरिया है, किसी भी बिंदु को बढ़िया से सीखे, अच्छे से सीखे, इससे मैथ काफ़ी इंप्रूव होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मैं ऐसे ही धांसू जबरदस्त बीएससी पर मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।